हेलो फ्रेंड्स आपनकर फेवरेट यूट्यूब चैनल सोडसा ट्यूटोरियल सागो जणौछि आज हम आलोचना करबा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को चलन तो फर्स्ट क्वेश्चन को आलोचना करबा फर्स्ट क्वेश्चन टि होछि देखंतु द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन 5 इयर्स एगो द एज ऑफ द मैन वाज 10 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन एट दैट टाइम हाउ ओल्ड इज द मैन एट प्रेजेंट प्रथमे क्वेश्चन टि कोन कहिछि ताको भल भाबे बुझिनबा द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन कौन कहिछि जणे लोकर वर्तमान वयस होउछि तारो पुअर वयसर 5 गुणा अटे 5 इयर्स एगो 5 वर्ष पूर्वरु 5 इयर्स एगो अर्थात 5 वर्ष पूर्वरु से लोकर वयस तारो पुअर वयसर केते गुणा थिला 10 टाइम्स थिला 10 गुणा थिला तो हाउ ओल्ड इज द मैन एट प्रेजेंट तो वर्तमान से लोकर वर्तमान रो वयस हमकु बाहर करियार छि प्रथमे देखिन कोन कोन कहिछि गुटी थिला एगो एगो देन प्रेजेंट एज वर्तमान वयस प्रेजेंट एज मिला वर्तमान वयस एगो हला पूर्व वयस बा या पूर्वरु केते वर्ष थिला प्रथमे कोन कहि जदि प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन तो फादर रो वयस होउची पुअर वयसर केते गुणा 5 गुणा पुअर सन रो वयस को जदि हम x धरिबा तो फादर रो वयस केते हे जीवो 5x हे जीवो वर्तमान वयस केते वर्ष पूर्वर पुणी देछि 5 इयर्स एगो 5 वर्ष पूर्वर वयस केते कम थिवो मते कहन 5 वर्ष कम थिवो 5x थिला तो 5 वर्ष कम मिले केते हो 5x माइनस 5 से सेम जिनस पूर वयस 5 वर्ष पूर्वर केते 5 वर्ष कम हे कि थिवो तो x माइनस 5 एटी हमको कंडीशन कोन देती छि कंडीशन कोन देती छि फादर इक्वल टू 10 टाइम्स इक्वल टू सन एटा होछि हमरो कंडीशन एटा देई छि जे बापांकर वयस पुओ वयसर 10 गुण थिला तो ठीक अछि बापांकर वयस जगह बापार वयस ये होछि फादर एटा होछि कारो सन रो वयस तो बापांको जगह बापांकर वयस बसै दियो आ सन जगह सन रो वयस बसै देबा तो बापांको वयस केते होछि फादर एज ला 5x माइनस 5 इक्वल टू सन इक्वल टू 10 इनटू सन x माइनस 5 बस एटा को हम समाधान कर देबा आंसर बाहर जो 5x माइनस 5 इक्वल टू ये हो गेला 10x माइनस 50 5x लेफ्ट साइड रहिला ये 10x एपुड़े राइट साइड प्लस है कि थिला लेफ्ट साइड कैसे माइनस कते जो माइनस 10x है जो माइनस 50 राइट रे थिला ये माइनस 5 लेफ्ट साइड रे थिला राइट साइड हो गले कोन हो प्लस 5 है जो तो एटा है जो कते है जो 85x माइनस 10x रो एटा को समाधान करले केते होबो माइनस 5x तो माइनस 5x राइट साइड रे माइनस 50 प्लस 5 माइनस 45 ए माइनस दी माइनस माइनस कोटी गले तो एटी x रो वैल्यू बाहर करियो छि x रो वैल्यू बाहर करले 5 एपुट आसीले हरण हे जीवो तो एटू डायरेक्ट काटि दियंतु 5 9 45 तो x रो वैल्यू आसीला 9 तो हमको मागी छि कोनो x रो वैल्यू हमें पाई गले तो हमको मागी छि कोनो हाउ ओल्ड इज द मैन एट प्रेजेंट मैन रो प्रेजेंट एज मागी छि माने से लोकर वर्तमान वयस अर्थात बापांकर वर्तमान वयस केते होछि 5x होछि तो 5 इनटू x रो वैल्यू केते 9 5 9 45 वर्ष 45 इयर्स 45 इयर्स आंसर रहछि देखंतु ऑप्शन ए रे होछि यारो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द एज ऑफ समीर एंड तनुज आर इन द रेशियो ऑफ 8:15 आफ्टर 9 इयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:18 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज कोन कहिछि समीर एवं तनुज रो वर्तमान वयस रो अनुपात 8:15 देइछि 9 वर्ष परे आफ्टर 9 इयर्स 9 वर्ष परे सेमानकर अनुपात केते होउछि 11:18 होउछि तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज तो सेमानकर वयस रो वर्तमान वयस रो कोन कहिछि से अंतर कहिछि बा वयसर अंतर से हमको मागिछि प्रथमे तो देखि दियंतु किए कि अछन्ति समीर अछि आउ कि अछि तनुज अछि दुई जणकर वयसर रेशियो केते दिछि 8:15 दे दिछि 9 वर्ष परे केते वर्ष परे 9 इयर्स 9 वर्ष परे सेमानकर रेशियो केते दिछि 11:18 दिदि प्रथमे त मु याकु शॉर्टकट रे आपनको सिखौ छी तापर यारो कांसेप्ट मु कहबी देखंतु एमानको भितर प्रथमे डिफरेंस केते होछि देखि दियंतु डिफरेंस केते होछि देखंतु ये भी एटी केते 3 रो डिफरेंस होछि एठी भी ए 3 रो डिफरेंस होछि 15 3 18 11 3 18 छाडंतु प्लस न लिखले भी चलिवो
तो 11 3 ओर डिफरेंस केते हला समान समान जते बेले भी समान समान डिफरेंस होबो सेते बेले पई सेही समय रे आपण को ट्रिक अप्लाई करिया देखंतु ये समान समान डिफरेंस होची अर्थात 3 यूनिट रो वैल्यू हमको केते दे दिजी 9 इयर्स दे दिजी 9 इयर्स दे दिजी तो 1 यूनिट रो वैल्यू बाहर करिवा 339 तो केते हला 1 यूनिट रो 1 यूनिट रो वैल्यू हला 3 वर्ष हमको मागी छी कोनो व्हाट इज द डिफरेंस देयर एज एज रो समान करो अंतर मागी छी प्रथमे तो एज समस्त कर बाहर कर दंतु ये 15 गुणा अछि ओके ने केते यूनिट छी 15 यूनिट ये सब यूनिट रे केते यूनिट छथि माने सब ये 18 यूनिट 15 यूनिट जे केते गुटी यूनिट रे वैल्यू 3 हेले 15 यूनिट रे वैल्यू 15 3 45 तो एटी 8 यूनिट रे वैल्यू केते हे जीवो 8 3 24 तो हमको मागी छी कोनो ए दुईटा वयस रो अंतर मागी छी तो ये 45 वियोग बडो रो छोटो को वियोग कर दंतु जहां बारिबो सेटा ही आंसर ये हला केते 21 वर्ष अंतर ताले वयस रो अंतर केते हला 21 वर्ष जोटा कि ऑप्शन बी रो छि यारो सटीक आंसर एटा थिला शॉर्टकट रे जदी आपण एयर कांसेप्ट केमि देखिया देखंतु समीर एवं तनुज रो वर्तमान वयस केते केते दिजि कोंदु प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज तापरे आफ्टर अर्थात फ्यूचर एज प्रेजेंट एज केते दिजि समीर रो देइछि प्रेजेंट एज हला 8x धरि दियंतु तनुज रो दे देछि 15x 9 वर्ष पर एटा केते हिजो देखंतु 8 आ 9 इयर्स 9 जग हिजो 8x प्लस 9 एथिरे केते जग हबो 9 वर्ष पर एथिरे केते हिजो 15x प्लस 9 तो पुनी आबेलु को एमान को रेशियो केते दे दिछि एमान को रेशियो 9 वर्ष पर रेशियो दे दिछि 11 विभक्त 18 दे दिछि रेशियो तो एबे एटा को हम जदि समाधान करिवा हमरो आंसर बाहर जो समाधान करिया देखंतु वज्र गुणन एटा को या संगे गुणन करिया रछि एटा को कहा संगे या संगे गुणन करिया रछि एटा गुणन करि दंतु 18 अष्टांग केते 144x प्लस 18 नुआ जे केते 162 इक्वल टू 11 15 11 को गुणन करले केते हो 165 प्लस 11 नुआ जे 169 एथिरे 165x लागिवो तो ये 144x माइनस 165x इक्वल टू 99 माइनस केते 162 एटा को समाधान करले ये माइनस 21x आसीबो राइट साइड रे ये आसी जीवो माइनस 63 ये माइनस कोटिला 21 को एपोटे डिवाइड करले केते हो 21 3 जे 63 तो x रो वैल्यू हैला 3x रो वैल्यू 3 बाहला हमको मांगी दिला कोनो सेमान करो वयसर अंतर एटी 8x रो वैल्यू केते हिजो एटी 8x रो वैल्यू हिजो अंतर तो सदा बेले समान रहबो 8x रो वैल्यू हिजो 24 15x रो वैल्यू आसला 15 3 45 से सेम जिंस 45 आ हमें 24 को माइनस कोले केते बाहरु दिला 21 होउची यार आंसर बाहरु दिला जोटा कि ऑप्शन बी रे आंसर दिला हो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन को जी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अजय एंड विजय इज 3:4 आफ्टर 5 इयर्स द न्यू रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:5 व्हाट इज द एज ऑफ विजय एट प्रेजेंट एटा को भी शॉर्ट रे करियो देखंतु अजय एवं कहारो अंतर दे जीव रेशियो कहारो दे छि अजय एवं विजय रो वयस रो रेशियो दे दे छि 3:4 दे छि 5 वर्ष परे केते वर्ष परे एटा 5 वर्ष परे आफ्टर 5 इयर्स केते हे जाउची रेशियो 4:5 देखों तो डिफरेंस केते होची जत्ते बडे डिफरेंस समान रहइबो डिफरेंस केते होची एटी 1 अछि एटी भी 1 अछि डिफरेंस समान थिले आपण कोन करिवे अर्थात इका सब यूनिट रे थिला 4 यूनिट ये भी 4 यूनिट ये भी 5 यूनिट एति डिफरेंस केते यूनिट रे बाहरला 1 यूनिट रे डिफरेंस बला 1 यूनिट इक्वल टू या संगे समान करिवे 1 यूनिट इक्वल टू 5 इयर तो हमको मागी छि कहारो वैल्यू व्हाट इज द एज ऑफ विजय विजय रो वर्तमान वयस केते 4 यूनिट 4 यूनिट रो वैल्यू केते गुटे यूनिट रो वैल्यू जदी 5 वे 4 यूनिट रो 4 * 5 520 वर्ष 520 जोटा कि ऑप्शन सी रो छि देखंतु एटा बैंक पे 2007 रे आस्तिला हो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छि देखंतु द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 100 इयर्स नाउ 5 इयर्स एगो their ages were in the ratio of 2:1 the ratio of the ages of the father and son after 10 years will be kon koichi dekhantu pitankaro ebong putrankaro
पिता पुत्रंकर बयसर समष्टि वर्तमान बयसर समष्टि केते वर्ष अछि 100 वर्ष अछि 5 वर्ष पूर्वरु 5 इयर्स एगो 5 वर्ष पूर्वरु सेमानकर बयसर रेशियो 2:1 थिला तो दी रेशियो ऑफ द एजेस फादर एंड सन आफ्टर 10 इयर्स 10 वर्ष परे पिता पुत्रर बयसर अनुपात केते हो एटा हमकु मागी छी प्रथमे तो देखि दियंतु कौन अच्छी 5 इयर्स एगो थिला तो एगो लिखि दियंतु एटा प्रेजेंट एज थिला तो प्रेजेंट एज फादर प्लस सन रो प्रेजेंट प्रथमे मौखिक रे देखंतु प्रथमे मौखिक रे चेष्टा करंतु तापर एक्स वाई धरि कि जहा करिवा फादर एवं सन रो बयसर समष्टि केते थिला 100 वर्ष थिला 100 वर्ष थिला 5 वर्ष पूर्वरु 5 वर्ष पूर्वरु एमानकर समष्टि केते थिवो मते कहंतु 5 वर्ष पूर्वरु 5 वर्ष रो फादर रो भी 5 वर्ष कम होबो सन रो भी 5 वर्ष कम होबो दुई जणकर 5-5 वर्ष जदि कमी जीवो टोटल केते कमी जीवो 10 वर्ष जदि कमी जीवो 5 वर्ष पूर्वरु एटी फादर प्लस सन रो बयसर समष्टि एटी केते हिजो ताले 100 रु 10 माइनस हिजो 90 वर्ष हिजो ना तो किंतु एमानकर फादर एवं सन रो रेशियो केते दिदिछि फादर रो रेशियो दे दिछि 2 सन रो रेशियो केते दिछि 1 अर्थात ये 2x ये होछि 1x तो एटी दि जणकर समष्टि केते हे जो एबे मते कहंतु दि जणकर समष्टि हेला 3x 3x रो वैल्यू केते 3x रो वैल्यू हेला केते 90 3x रो वैल्यू जदि 90 हुए तो x रो वैल्यू केते हेबो x रो वैल्यू 30 x रो वैल्यू हेला 30 तो हमको मागिछि कोन रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 इयर्स 10 वर्ष परे मते कोन तो एबे फादर रो वयस एटी केते हेबो फादर रो वयस एटी केते हिजो 60 सन रो वयस केते हिजो एटी 30 तो 5 वर्ष परे एटी केते हिजो 65 तो सन रो वयस एटी 5 वर्ष परे केते हिजो 35 एटा पाई गुला मे प्रेजेंट एज तो प्रेजेंट एज रो 10 वर्ष परे 10 वर्ष परे केते हिजो फ्यूचर बा आफ्टर एटा हिजो आफ्टर 10 इयर्स आफ्टर 10 इयर्स इटे केते हिजो 75 आफ्टर 10 इयर्स ये 75 हला ये आफ्टर 10 इयर्स केते हिजो 45 खाली 10 जगह बना तंकर वर्तमान वयस रे 10 जगह हिजो तो बाकी जी कोनो पिता पुत्र रो वयस रो अनुपात मागी जे ताले विभक्त चिन्ह कर देले हले अनुपात एटा को 5 रे काटंतु 15 रे काटंतु 15 3 45 15 5 75 तो 5 विभक्त 3 तो केते अनुपात केते हला 5:3 होची यारो आंसर जोटा की ऑप्शन बी रे होची यारो सटीक आंसर चलंतु जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा की एसएससी 2006 रे आस्तिला एटा प्रथमे क्वेश्चन को देखि दियंतु द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन 10 years hence will 5:3 while 10 years ago it was 3:4 the ratio of the age of son to of his father today kon mangi ji 10 varsha pore pita putrankro bayasara anupato 5:3 hobo 10 varsha purvaru 10 years ago 10 varsha purvaru pita putrankro bayasara anupat 3:1 thila तो एबे वर्तमान रे बा प्रेजेंट रे पुत्र एवं पितांकर वयसर अनुपात केते अछि कोन मागी छी पिता पुत्र रो मागी जिनी पुत्र एवं पितांकर वयसर अनुपात मागी छी प्रथमे देखि दियंतु प्रेजेंट एज लिखि दियंतु गुटे साइड जे प्रेजेंट इ हला आफ्टर हेंस माने परे एगो अर्थात एगो प्रथमे एटी एगेन आफ्टर नो एटी एगो पूर्वरु हेंस रो अर्थात आफ्टर ए टीयर आफ्टर कौन कह छी बे पिता पुत्र वयस हमको जणा नाही तो कौन करिया एटे देखि दियंतु कौन एगो रे बा 10 वर्ष पूर्वरु एगो अर्थात 10 वर्ष पूर्वरु 10 इयर्स एगो फादर रो एज केते थिला 10 इयर्स एगो रे फादर रो रेशियो थिला फादर इक्वल टू 3x एंड सन इक्वल टू केते 1x बा खाली x थिला केते वर्ष पूर्वरु एटा 10 वर्ष पूर्वरु तो 10 वर्ष परे बा 10 वर्ष परे कोन हिजो प्रेजेंट आसे जीवो
दस वर्ष पर यहाँ के 3x प्लस 10 हो पुणी ये 10 वर्ष पर पुत्र बयस के एक्स प्लस 10 हो आफ्टर कही आफ्टर 10 इयर्स पुणी 10 वर्ष पर 10 वर्ष पर पुणी के 10 जग हो अर्थात 3x प्लस 10 प्लस 10 हो ये एक्स प्लस 10 प्लस 10 हो रेसीो आमको के रेसीो दे पाँच अनुपात तीन पाँच अनुपात तीन दे आम जब यू समाधान करवा तमर एक्स रैल्यू आम पाई यटा को समाधान करूँ के ऊपर हो 3x प्लस 20 तले हो एक्स प्लस 20 इक्वल टू के 5 डिवाइडेड बाय 3 वज्र गुणन करूँ एटा हो 9x प्लस 60 इक्वल टू 5x प्लस 100 एक्स को गोटे सैड लिखु 9x माइनस 5x इक्वल टू 100 माइनस 60 ये आसीगला 4x इक्वल टू के 40 तो एक्स रैल्यू आसीज 10 एक्स रैल्यू जदि 10 है आमको मागिच कौन एक्स रैल्यू जदि 10 है आमको मागिच कौन प्रेजेंट एज अफ सन रेसीओ अफ द एज अफ सन टू द टू हिज फादर अर्थात सन एवं फादर रो वर्तमान बयसर अनुपात मागिच सन एवं फादर वर्तमान बयस के देखु 3x प्लस 10 सन रयस के एक्स प्लस 10 डिवाइडेड आमर फादर के 3x प्लस 10 यटा को समाधान करूँ एक्स रैल्यू के 10 युक्त 10 एक्स जगार एक्स रैल्यू पुट करूँ 3x 3 इंटु 10 जे के 30 प्लस 10 ऊपर है 20 तले है 40 यह शून्य शून्य कटिला 2 के 2 2 दुणे 4 तो एक विभक्त दुई जोड़ा कि एक अनुपात दुई हम जोड़ा कि कौथे अच्छी ऑप्शन ए रे अच्छी यार सटिक आंसर हाँ चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखु एटा भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी 2006 दि रेसीओ प्रेजेंट एज अफ टू ब्रदर्स इज 1:2 एंड 5 इयर्स बैक दि रेसीओ वाज 1:3 व्हाट विल बी द रेसीओ अफ दियर एजेस आफ्टर 5 इयर्स पांच वर्ष पर ये कौन कह दुई भाई बयसर अनुपात दे दीची एक अनुपात पाँच दे दीची पांच वर्ष 5 इयर्स पांच वर्ष पूर्वर से मानकर अनुपात के एक अनुपात तीन थिला तो पांच वर्ष पर अनुपात के आमको निर्णय करार अच्छे तो प्रथम ये रेसीो मान लिखि दिं दुई भाई बी वन ब्रदर टू केते रेसीओ अच्छी प्रथम एक अनुपात दुई अच्छी पांच वर्ष पर कते वर्ष पर यहाँ पांच वर्ष पर रेसीओ के एक अनुपात तीन हो देखु ये रेसीओ सामान अच्छे कि सामान ना ये तो जीरो हो जाऊँगी ये एक रेसीओ मानने मानक अंतर सामान ना अंतर आमको कौन करार अच्छी सामान कर अंतर सामान करने आम कौन कर डिफरेन्स के एक अच्छी एम डिफरेन्स के दुई अच्छी ए दुई को एटी गुणन करिया ऊपर गुणन करदे ए रेसीओ एवं सामान करार अच्छी बी वन आउ बी टूर न्यू रेसीओ आमको बाहर करार अच्छी बहुत इजी थे कनसेप्ट बुझी दिंतु हो तो ये दुई गुणन कले ऊपर दुई गुणन करार अच्छी दुई एटी है चार हो तले एक गुणन करार अच्छे एक गुणन कले जमती अच्छे सेमती रही देखो एवं रेसीओ सामान हो गला के एक अच्छी एटी भी रेसीओ एक अच्छे जेहेतु रेसीओ सामान हो गला तो वन यूनिट रैल्यू के पाइज आम वन एन यूनिट रैल्यू आम 5 इयर पाइबा यटा यही बयसटा कौन थी प्रेजेंट एज थी प्रेजेंट एज थी प्रेजेंट एज प्रथम बाहर कर दिंतु यार दुई यूनिट रैल्यू तेल के दुई यूनिट 10 वर्ष यार 4 यूनिट यही मात्र फास्ट अर्थात ये 10 वर्ष बयस ब्रदर रदर बयस के पांच 20 वर्ष हो गला तो मागिच कौन एटा तो प्रेजेंट एज पाइगले 10 वर्ष आ 20 वर्ष प्रेजेंट एज पाइगले पांच वर्ष पर कही पांच वर्ष पर रेसीओ के हे तो 10 युक्त 5 हो अनुपात मागिच ना तो यहाँ हो 20 युक्त 5 हो तो ये हम 15 ये हम के 25 यटा को बास छोट कर दिंतु 5 3 15 5 पंचांग 25 अर्थात 3 अनुपात 5 3 अनुपात 5 हम 3 अनुपात 5 कौटे अच्छी ऑप्शन सी रे अच्छी यार सटिक आंसर हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देखो
The ratio of Lakshmi's age to the age of her mother is 3:11. The difference between their ages is 24 years. The ratio of their ages after 3 years will be. देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन एमबीए 2006 बहुत इजी क्वेश्चन कौन कही देखो तो दी रेशियो प्रेजेंट एज कही प्रेजेंट एज रे कहार कहार दे लक्ष्मी रो दे के 3x एवं तांकरो मांगरो दे दी मांगरो दे के 11x द डिफरेंस बिटवीन देयर एज दुई जो ए डिफरेंस केते दे छि इमान करो डिफरेंस दे दी केते वर्ष 24 वर्ष मते कोन तो ए डिफरेंस केते हो 11x रु 3x माइनस 11x रु 3x माइनस ले केते हो 8x इक्वल टू 24 तो x रो वैल्यू आसी गला 3 x रो वैल्यू जदी हमें 3 पाइले तो लक्ष्मी रो वयस एटी पाइ गले हमें केते 9 वर्ष 9 इयर्स 9 वर्ष पाइ गले 9 वर्ष पाइ गले तो मदर रो एज केते 11 11 3 33 तो 33 वर्ष मांकर वयस ला 33 वर्ष एवं लक्ष्मी रो वयस ला 9 वर्ष दी रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स 3 वर्ष पर समान को रेशियो केते हो 3 वर्ष पर ये केते हो 3 जोग हो 9 3 केते हो 12 विभक्त ए 33 रे भी 3 जोग हो केते हो 36 12 3 36 अर्थात 1 विभक्त 3 तो ये 1:3 हो 1:3 जोटा की ऑप्शन ए रो छि हेरो सटीक है तो चलु जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखि जंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रे देखु तो 15 इयर्स हेंस ए मैन विल बी जस्ट 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 15 इयर्स एगो हिज प्रेजेंट एज इज जोटा की बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखु एटा भी एमबीए 2006 रे आस्तिला 15 इयर्स हेंस 15 वर्ष परे जणे लोकर वयस 15 वर्ष पूर्वरो जहा थिला सेतिरो केते गुणा अछि 5 गुणा अछि तो तार वयस केते प्रेजेंट एवं वर्तमान वयस एबे हमकु बाहर करियार अछि अर्थात हमकु प्रेजेंट नबार अछि एगो नबार अछि तापर कोन नबार अछि टी आफ्टर भी नबार अछि तो प्रेजेंट एज को जदि मे एक्स धरिबा 15 वर्ष पूर्वरो केते थिला ताले 15 वर्ष पूर्वरो केते हो जहा एबे जतकी वयस अछि सेदिरु 15 वियोग कले 15 वर्ष पूर्वरो वयस भाइ जिवा तो एक्स माइनस 15 15 वर्ष परे केते हबो एक्स प्लस 15 तो हमको x माइनस 15 आउ x प्लस 15 रे हमको कौन मांगी छी एटा एमर को कौन कंडीशन कौन दे दी थी देखो दो कंडीशन दे छी हमको 15 इयर्स हेंस 15 वर्ष पूर्वरु अर्थात आफ्टर आफ्टर एज टा होउची आफ्टर एज होउची 10 केते गुण 200 गुण 4 टाइम्स सॉरी 10 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स ऑफ एगो एज एटा हमको कंडीशन दे छी अर्थात केते वर्ष परे 15 वर्ष परे 15 वर्ष परे केते वर्ष हो से 15 वर्ष पूर्वरु जतकी वयस थिला तारो 4 गुणा छी एटा भल की बुझिनो दो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो एबे देखंतु आफ्टर एज रे केते होची x + 15 होची x + 15 बसे दियंतु तो 4 इंटू एगो केते अछि x माइनस 15 अछि बस एटा को सॉल्व करंतु आपन को एक्स रो वैल्यू बाहर जीवो तो हमको एक्स रो वैल्यू ही मांगी छि ना प्रेजेंट एज का को धरि छि हमें प्रेजेंट एज हमें एक्स रो वैल्यू मांगी छि एक्स रो वैल्यू बाहर जीवो ये एज यो 4x माइनस 15 जो 60 एक्स अपन को ने असंत एक्स माइनस 4x इक्वल टू माइनस 60 ये माइनस 45 यह है गला माइनस 3x इक्वल टू माइनस 75 माइनस माइनस कटों तो तीनी कितने लाडी 25 तेरी जे 25 तोरी तो x रो वैल्यू है ला 25 x रो वैल्यू 25 जोड़ा की कौन से मेन रो बा सही लोगों रो प्रेजेंट एज 25 वर्षों जोड़ा के ऑप्शन डी रे अच्छी तो चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि देखो तो द एजेस ऑफ टू पर्सन्स आर इन रेशियो ऑफ 5:7 16 इयर्स एगो देयर एजेस वेयर इन द रेशियो ऑफ 3:5 देयर प्रेजेंट एज आर एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार जो ए टाइप रे तो क्वेश्चन ऑलरेडी हमें सॉल्व करलन चलो तो याको शॉर्टकट रे समाधान करिया जोटा कि एमबीए 2006 रे आस्तिला टू पर्सन्स अछि तो पर्सन 1 पर्सन 2
प्रेजेंट एज केते अछि 5:7 5:5 7 अछि तापर केते वर्ष पूर्वरु केते वर्ष पूर्वरु 16 इयर 16 वर्ष पूर्वरु 16 इयर्स एगो 16 वर्ष पूर्वरु केते केते अनुपात थिला 3:5 थिला मते देखंतु एडी देखि दियंतु एटा कोन कोन एडी केते अछि इमानकर अंतर केते होबो समान अछि ये एटी भी 2 अछि अंतर एटी भी 2 अछि अर्थात 2 यूनिट रो वैल्यू केते हला 16 एक यूनिट रो वैल्यू हला 8 अर्थात 1 यूनिट रो वैल्यू 8 हमको मागी छि कोन प्रेजेंट एज कोउडा देखंतु प्रेजेंट एज कोउडा प्रेजेंट एज यूज एटा 5:7 तो प्रेजेंट एज कार यारो केते हि जो 8:40 यारो केते हि जो 7:56 जोडा के ऑप्शन सी रे होची यारो सटीक चलन जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु एडा लास्ट क्वेश्चन जोडा की एडा ही बहुत इंपोर्टेंट 2007 रे आस्तिला एएओ 3 इयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वाज 18 इयर्स विथ सी जॉइनिंग देम नाउ द एवरेज बिकम्स 22 इयर्स हाउ ओल्ड इज सी नाउ कोन कहि छी 3 वर्ष पूर्वरु 3 वर्ष पूर्वरु ए एवं बी रो हारहारी वयस केते थिला 18 वर्ष थिला किंतु 3 वर्ष परे अर्थात वर्तमान बेले कोन हैला वर्तमान रे सी सेमानक सहित जोग हैला सी जोग हैला परे सेमानकर हारहारी वयस 22 वर्ष हैला तेबे हमकु मागी छी कोन सी रो वयस केते मागी छी देखंतु एगो केते वर्ष पूर्वरु 3 वर्ष पूर्वरु आउ एटा होची प्रेजेंट 3 वर्ष पूर्वरु ए प्लस बी रो हारहारी वयस हारहारी केमते लिखा जाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 दुई जण छथि बोले दुई विभक्त दुई लेखिले हारहारी वयस थिला 18 वर्ष तो ए प्लस बी रो टोटल वर्ष केते मते कहंतु 3 वर्ष पूर्व टोटल वयस केते थिला 36 थिला एबे 3 वर्ष पोरे प्रेजेंट इयर केते हेबो मते कहंतु ए वर्षटा केते बढी जीवो प्रेजेंट इयर केते एते होबो मते कोंदु देखंतु ए रो 3 वर्ष बडिवो बी रो भी 3 वर्ष बडिवो 3 टोटल केते बडजिवो टोटल 6 वर्ष बडिवो टोटल बडिजिवो 6 वर्ष अर्थात एटी एजबो दि जणकर 42 वर्ष एटा कोन होबो ए प्लस बी रो टोटल वयस हैला 42 वर्ष किंतु प्रेजेंट रे हमकु कोन दे दैछि ए प्लस बी प्लस सी रो हारहारी वयस माने अर्थात हारहारी वर्ष माने केते 3 विभक्त होबो ना इक्वल टू केते 22 अर्थात ए प्लस बी प्लस सी रो टोटल वर्ष केते हेजबो 66 किंतु ए प्लस बी रो टोटल वय प्रेजेंट रे टोटल वयस केते दे दिजि 42 तेनु जदि आमे ए प्लस बी को बी रो वयस को माइनस कर दबा एटू माइनस कर दबा त आमे सी रो वयस पाई जिबा आराम से सी रो वयस पाई जिबा सी रो वयस तले केते हेबो एडी माइनस करंतु ये हला 4 ये हला 2 24 इयर्स जोडा के ऑप्शन ए रे अछि थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो जदि ए वीडियो आपन को भल लागी तो लाइक शेयर एवं कमेंट करिया को भूलिबे नाही हम आपन को कहि रखु छी यार जो उड़िया वर्जन उड़िया वीडियो उड़िया रो क्वेश्चन जोडा आसीबो सेटा हम संध्या 6टा बेले अपलोड करू छु जदि हम चैनल सहित आपन जोडे ही नाही सब्सक्राइब बटन क्लिक करके हम चैनल सहित जोडे ही रहंतु थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो पुनी देखा हबो एजेस रो किछ प्रॉब्लम कोन एजेस रो किछ क्वेश्चन को नै आसीबे नेक्स्ट वीडियो रे